मौलिक आप कहाँ के हो? आपके यहाँ हमको घर पड़ता है पिपरिया बिहार में। जी बाबू। तो यहाँ कौन रहता है आपके? अकेले हैं बाबू, कोई साथ नहीं है। पिपर आपको अभी किसने, बंदर ने काटा है? परसों है। बंदर ने? जी बंदर काटा है। इतनी खोला खोल के इतनी दवाई दे दे। तो बाबूजी आप कैसे रहते हो, मतलब खाना वाना कहाँ खाते हो? आपने बता दे क्या, पाँच दिन से खाना नहीं खाया, दो दिन से? हाँ वो होटल लेर में खा लेते हैं कुछ, रोटी मैंने मुझे मैदा उबला नहीं बनता है वही खा लेता। तो कितने दिन से नहीं खाया बाबू जी? जी नहीं, तीन दिन हो गया बाबू, खाली चाय पिए, दर्द से नहीं खा जाता है। हाँ बाबू दर्द बहुत है। कहाँ पे, गर्दन में? नहीं यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए ये जाँ में है, देखिए यहाँ। किसने काटा है, बंदर ने? हाँ परसों काटा है जी, वजह से टोपी करका नहीं बनता है, पहनता है वही बनाता है वही। क्या नाम है आपका? महेंद्र जी। ये हमारे बाबूजी हैं महेंद्र, और इनका कोई है नहीं, और है तो वो बिहार वगैरह में। यहाँ कोई है नहीं आपका? ना यहाँ कोई नहीं। तो क्या काम करते थे बाबूजी पहले? हम बाबूजी मैंने हर जोते थे, ताजू का हर जोते थे, जमीन था। अभी यहाँ दिल्ली में तुम्हारा कोई नहीं है? ना। तो कहाँ रहते हो? हम दिल्ली में वहाँ रहते थे, मस्जिद है बड़ी, जामा मस्जिद जी। ना जामा मस्जिद से आगे है जी, दो महल का है, वहीं रहते थे, हार्दिक करते थे। अब ऐसे ऐसे भी जिंदगी में लोग मिलेंगे आपको, देख ले 70-75 साल की उम्र है। और जी बाबू, बाबू जी ये कुछ पैसा है, कितना पैसा है? 1100 रुपया है ये आपके, आपके लिए कुछ पैसा है, ये रख लीजिए। ये बाबू जी ये रख लीजिए पैसा। कितना है ये? 1100 रुपया है। 1100 रुपया है, ठीक है ना जी बाबू। तो इसमें खाना खाइएगा, ठीक है, कुछ सामान लीजिएगा, और फिर कुछ दिक्कत हो तो आइएगा, हम यहीं मिलेंगे आपको, ठीक है ना? कोई हम बोलेंगे ठीक बाबू, ठीक है ना? आनंद रहो माय गंगा कृपा से, बूढ़ बन जाओ। हाँ बस दुआ दी, पोता पोती नाती पोता सबके आनंद के ने रहिया गंगा माय। बस दुआ करो बाबू जी ना। जटा था ये देखिए ना, काट कट्टी की काट लिया, बनवाए ना। चलो रोना नहीं है ना। अच्छा। रोते हैं वो है, चिंता करता है किसी का, केकरा पर दुआर पर जाए। चलो अभी इंजेक्शन लगवा लो, और उसके बाद में ना अपने इन पैसे से रखो अपने पास में, ऊपर कहीं भी रख लो, जेब में रखो, आराम से लाओ, मैं पकड़ूंगा। एक आगो बैग दे दीजिए। बैग नहीं है मेरे पास, इसको यहाँ रख लो अपने, लाओ मैं रखते देता हूँ। ठीक है, खोना नहीं है, आप इंजेक्शन लगवा लो आराम से, ठीक है ना? फिर सुआ लग जाएगा तुम्हारे, आराम से रहना, फिर कुछ खा लेना, फिर हम मिलेंगे आपसे दोबारा, ठीक है बाबू जी? चलो भाई दुआ करना हमारे लिए, अभी इंजेक्शन लगवा लो, हम लगवाते हैं इंजेक्शन आपके, आओ बाबू। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुशाहिद खान, और मैं इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद हूँ जो कि गाज़ियाबाद इलाके का है। ये हमारे बाबा हैं, इनका नाम महेंद्र है, करीबन 75 साल की इनकी उम्र है, और 75 साल की उम्र में भी ये दर दर भटक रहे हैं, कोई इनका है नहीं इनके पास में। ये जैसा इन्होंने बताया कि तीन दिन हो चुके हैं खाना खाए हुए, अभी हमने कुछ इनकी मदद की है, इनको कुत्ते ने काटा था, इंजेक्शन लगवाने के लिए यहाँ अस्पताल में आए थे, तो हमने देखा इनकी हालत बेहद बहुत ज़्यादा स्थिति ठीक नहीं थी। हमसे जो हुआ हमने मदद की, और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ऐसे लोग आपके आसपास ज़रूर मिलेंगे, हर अस्पताल में मिलेंगे, गली मोहल्ले में मिलेंगे, ऐसे लोगों को ढूंढो, ऐसे लोगों की मदद करो, क्योंकि ऐसे लोग आपकी मदद के मुस्तहिक हैं, और हमारे इस काम को आगे तक बढ़ाओ। बहुत बहुत शुक्रिया।